हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक किसका है, ये टॉपिक है रिलेटेड टू टीएसबी एंड सीएसबी। ठीक है, काफी टाइम से इस पर वीडियोस मैं बना रहा हूँ और आज की भी वीडियो उसी के बारे में है। तो सीएसबी और टीएसबी आखिरकार क्या है, दोनों फाइल्स का नाम है और ये आप एक्सेल में भी बना सकते हो। सीएसबी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और इससे क्वेश्चन आता है, ये जान लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लास ट्वेल्थ अगर आप पढ़ रहे हैं पाइथन तो इससे क्वेश्चन आएगा और ये पूछा जाएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सीएसबी और टीएसबी फाइल के बारे में जानते हैं। तो सीएसबी होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और टीएसबी होता है टैब सेपरेटेड वैल्यू। बनेगा कैसे फाइल, बनाना बहुत आसान है। देखिए यहां पर हम जो है वीएस कोड अपना ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन किया है, एक नई फाइल भी ली है। अब इसमें हम सबसे पहले टीएसबी ही देख लेते हैं, टीएसबी क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे सीएसबी लिखेंगे, भले ही हम टीएसबी फाइल बना रहे हैं लेकिन लिखेंगे ही सीएसबी। ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे डाटा। ठीक है, सबसे पहले तो इंपोर्ट आई एम पी ओ आर टी इंपोर्ट सीएसबी और फिर एंटर करिए, यहाँ पे लिखिए डाटा। डाटा किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने डाटा ही नाम से बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए नेम है तो डबल कॉमा में इसे लिखेंगे, कॉमा देंगे और एज है, ये दो ही चीजें हमें देनी है। ठीक है, तो नेम दे दिया, एज दे दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे कॉमा लगा दीजिएगा, एंटर करिएगा। अब ये बन रही है आपकी फाइल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या बन रही है, ये फाइल बन रही है अभी। ठीक है, कॉमा लगा के नीचे आइएगा। अब नेम में नेम आएगा तो यहाँ पर डबल कॉमा में लिख दीजिए राजू, एक नाम लिख दिया हमने, कॉमा दे दीजिए, एज दे दीजिए, क्योंकि एज इंटीजर है तो इसमें आपको कभी भी जो है डबल कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एज में ये देखिए, ये एज जो है एक प्रकार का क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो डबल कॉमा लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो है इंटीजर बन गया तो इंटीजर में नहीं लगेगा। ठीक है, एंटर करिए, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के आइए नीचे, फिर यहाँ पर अगला नाम आएगा तो यहाँ पर डबल कॉमा लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं हेना, एक और नाम आ गया और फिर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा करके फिर यहाँ पर एज डाल दीजिए 26। ठीक है, तो ये एज डाल दिया हमने, फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पर वही काम कि आपको एंटर करके नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर फिर इनके लिए भी बनाना है तो यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं, लाइक मोनू, सोनू मोनू ऐसे कुछ कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे इनकी एज है 23 और फिर कॉमा लगा देते हैं नीचे और फिर यहाँ पर एंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पर अगला नेम जो है वो आएगा तो यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं रितेश, ये नाम लिख दिया हमने आर आई टी ई एस एच, ये हो गया रितेश और फिर कॉमा लगा करके यहाँ पर इनकी एज आएगी तो 27 एज डाल दिया। तो इस तरीके से आपकी टीएसबी फाइल भी बन जाएगी। ठीक है, अब बनेगी तो इसमें चीजें और भी होंगी, जैसे इस टीएसबी फाइल का नाम क्या पड़ेगा ये भी तो देना पड़ेगा, बिना नाम दिए कैसे आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको कॉमा नहीं देना है, यहाँ देखिए ये लास्ट में ये कॉमा दिया लेकिन इस वाले में कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पर हमारा डेटा एंड हो रहा है तो इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम ये करना है आपको कि यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अब इस फाइल को नाम जो भी देना है यहां पर आकर के दे दीजिए। तो यहां मैं फाइल नेम में ही इसे स्टोर करा देता हूं, फाइल नेम इज इक्वल टू क्या दे देते हैं, सपोज कीजिए मैं दे देता हूं स्कूल SCHOOLT स्कूल डेटा कर देते हैं, स्कूल डेटा के नाम से मैं ये टीएसबी फाइल बना रहा हूं, डॉट टीएसबी आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, ये लगा दिया, अब क्या करेंगे, अब नीचे आएंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर अब हम टीएसबी फाइल में क्या करेंगे, डेटा को राइट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, राइट करवाएंगे टीएसबी फाइल में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विथ ओपन, ठीक है, ये लिखा विथ ओपन और विथ ओपन लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है इस तरीके से और यहां पर उस टीएसबी फाइल का नाम आएगा। तो क्या दिया था हमने ऊपर, देखिए यही दिया है ना, ये देखिए स्कूल डेटा ये दिया है ना, तो यहां से कॉपी कीजिए इसको और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, मोड इसका क्या है, राइट मोड है, क्योंकि हम राइट करेंगे इसमें, रीड नहीं करेंगे सिर्फ राइट करेंगे, तो यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए इस तरीके से, यहां पे इज इक्वल टू और यहां पे लिख दीजिए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है कि ये राइट मोड में है, अगर मैं डब्ल्यू बी लिखता तो इसका मतलब है कि बाइनरी फाइल में राइट कर रहे होते हम। ठीक है, लेकिन यहां पे फिलहाल डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट फाइल है, यानी कि सीएसबी फाइल है और यहां पे लिख देंगे न्यू लाइन, न्यू लाइन इज इक्वल टू, यहां पे सिंगल डॉट कॉमा ओपन, सिंगल डॉट कॉमा क्लोज कर देंगे इस तरीके से, आप यहां पे देख सकते हैं ये मैंने किया है। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और इसे एक नाम दे दीजिएगा, एज फाइल कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एज फाइल दे दिया है तो हम इसी के नाम से इसे एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहां पर अब हमें क्या करना है,
अब यहां पर हमें लिखना है राइटर, राइटर। अब ये आप देख सकते हैं राइटर इज इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर, और यहां पर चूंकि टीएसवी फाइल हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टीएसवी फाइल, तो यहां पर ये चूंकि नाम इसको फाइल ही दिया था हमने, तो यहां पे फाइल लिख करके और इसको डिलिमिट करेंगे। डिलिमिट यानी अलग करेंगे, किससे अलग करेंगे, तो बैकस्लैश टी लगा दिया है। बैकस्लैश टी का मतलब है कि टैब लाइक स्पेस से इसे सेपरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पे बैकस्लैश टी लगाया है, और ऊपर चूंकि स्टोर किसमें कराया था, तो डाटा में स्टोर कराया था। तो अब नीचे आने की बारी है, तो यहां से नीचे आ जाइए, और नीचे आकर के आपको करना क्या है, यहां पर लिखना है राइटर डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई रोज, ठीक है, राइटर डॉट राइट रोज, और ब्रैकेट ओपन करिए, यहां लिख दीजिए डाटा, ठीक है। अब ये डाटा लिख दिया है, और डाटा लिखने के बाद क्या करना है, यहां पे एंटर करना है, और एंटर करके क्या करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर आप प्रिंट करवाएंगे। तो चूंकि हम एक ऐसा मैसेज दे देना चाहते हैं कि ये जब टीएसबी फाइल क्रिएट हो तो हमें भी पता चल जाए कि ये टीएसबी फाइल बन गई है, अदरवाइज पता कैसे चलेगा, ठीक है, अगर कोई आउटपुट ना आए, ठीक है, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन हम यहां पर एक मैसेज दे ही देते हैं, टीएसबी फाइल क्रिएटेड, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और ये लिखने के बाद क्या करना है, अब देखिए ये हमारा कोड है, अब इसको चलाना है, तो सबसे पहले तो यहां से सेव करेंगे हम, इसको चलाते वक्त ही सेव कर लेते हैं, स्कूल डॉट पी वाई के नाम से सेव कर देते हैं, तो ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद ये आप देख सकते हैं यहां पर एक एरर आ रहा है, यहां पर स्कूल डाटा डॉट टीएसबी ना दे करके हम यहां चूंकि फाइल नेम देंगे, तो हमें यहां पर फाइल नेम ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि इसको नाम हमने दिया था ऊपर फाइल नेम, फाइल नेम नेम में ही तो स्टोर कराया है, तो ये जो नेम है ना, ये नेम यहां पे रहेगा, तो बस इसको बस सही कर लीजिएगा और बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहां पर ये दे दीजिएगा, और अब इसको सेव तो कर ही दिया है, इसको रन करा देते हैं, तो देखिए लिखा हुआ आ गया टीएसबी फाइल क्रिएटेड। अब ये क्रिएट हुई है फाइल, तो किस नाम से बनी होगी, तो स्कूल डाटा डॉट टीएसबी के नाम से बनी होगी। तो इस पर ये जो फाइल आई है ना, इसी पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल नीचे आपको दिखेगी, स्कूल डाटा डॉट टीएसबी वाली। तो नीचे थोड़ा सा आते चले जाइए, और ये आप देखेंगे कि नीचे स्कूल डाटा, ये देखिए ये स्कूल डाटा डॉट टीएसबी यहाँ पे आ रहा है ना, और डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जितना स्पेस होना चाहिए उससे ज्यादा स्पेस बीच में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये स्पेस जो है उससे ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। और यही टीएसबी फाइल की खासियत होती है, ठीक है। अगर आप यही सीएसबी फाइल बनाते हैं तो सीएसबी फाइल में मेथड तो सेम ही है, लेकिन ये डॉट सीएसबी की जगह डॉट टीएसबी की जगह डॉट सीएसबी हो जाता, ठीक है ना, और वहां पर चीजें अलग हो जाती। तो अभी एक सीएसबी भी क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट सीएसबी, यहां पर भी आपको वही लिखना है इंपोर्ट सीएसबी, और ये लिख करके फिर यहां पर डेटा नाम से ही बना लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू, और ये यहां पर नेम और एज था, तो यहां पर भी हम नेम और एज ही कर देते हैं, तो जो था वही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर एंटर करेंगे कॉमा दे करके, और फिर यहां पर अब जो अदर इसमें डेटाज आएंगे उनको लिखते हैं, जैसे राम श्याम, कुछ भी यहां पे डेटा डाल देते हैं। तो ये हो गया पहला, इसमें डेटा एंटर हो गया, कॉमा लगाएंगे, दूसरा डेटा एंटर करवाएंगे, तो यहाँ पे राजू, एक और डेटा यहाँ पे एंटर करवा रहा हूँ, कॉमा लगाएंगे, और यहां पर क्या करेंगे, 30 एज डालेंगे और कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद एंटर करेंगे। फिर यहां पर राकेश एक और नाम ऐड करवाते हैं, और इनकी एज है 34। तो ये कुछ इस तरीके से तीन ही डेटा रखते हैं, एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, जैसे नीचे आते हैं तो इसको क्लोज करना है, ये जो ब्रैकेट ऊपर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमें ओपन करना था वो ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वाला ब्रैकेट है, ये देख सकते हैं, और ये सारी जो ये सारा जो डेटा है ये इस सीध में आएगा इसके नीचे, ठीक है, ठीक है ऐसे। और बाकी ये जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा वाला ओपन किया है इसको क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके एंटर करके नीचे आइएगा, इस फाइल को नेम दे दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया फाइल नेम, जैसे वहां पे लिख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, माय फाइल डॉट file डॉट csv, ये नाम दे दिया। अब ये csv फाइल है, ठीक है, ये कौन सी फाइल है, csv फाइल। अब क्या करना है, अब यहाँ पे विथ ओपन फंक्शन लगाइए, विथ ओपन, ठीक है। विथ ओपन के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। और यहां पर चूंकि इसे नाम दिया है फाइल नेम, तो यहां पे लिख देते हैं फाइल नेम, ठीक है, नाम तो यहां पे फाइल नेम ही दिया है ना, ये देखिए ये फाइल नेम ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल नेम ही दे करके कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगा करके और यहाँ मोड दे दीजिएगा, मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू ही रखेंगे, ये डब्ल्यू रख दिया मोड, और डब्ल्यू रखने के बाद यहाँ पे न्यू लाइन, हर बार नई लाइन से स्टार्ट होगा,
और न्यू लाइन इज इक्वल टू सिंगल ट्रेड कॉमा ओपन सिंगल ट्रेड कॉमा क्लोज करके और एंटर करके नीचे आ जाइए और इसे एक नाम भी दे दीजिएगा यहां पर एज फाइल। मैं हर बार एज फाइल ही दे दे रहा हूं, आप कुछ भी दे सकते हैं ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर राइटर इज इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर और फाइल ही नाम दिया है तो वो यहां पे आ जाएगा और एंटर करिएगा। और जब ये लिख देंगे तो फिर ये लाइन लिख दीजिएगा राइटर डॉट राइट रोज और डाटा यहां पे आ जाएगा और बाकी यहां पे प्रिंट करवा देंगे कि सीएसवी फाइल हमारी क्रिएट हो गई। और जब इसे चलाएंगे ना तो ये देखिए ये चला रहा हूं इसे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है सीएसवी फाइल क्रिएटेड। तो इसी फाइल पे दो बार क्लिक कीजिए और क्लिक करके नीचे की तरफ आइए, फाइल को नाम क्या दिया था माई फाइल डॉट सीएसवी। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे कहीं माई फाइल डॉट सीएसवी के नाम से कोई फाइल बनी भी है कि नहीं बनी है, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखिए माई फाइल डॉट सीएसवी नाम से फाइल बनी है और ये देखिए ये कॉमा से सेपरेट होते हुए आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सीएसवी फाइल कॉमा से सेपरेट होते हुए आ रही है और वहां पर काफी ज्यादा स्पेस था बीच में। टीएसवी फाइल में काफी ज्यादा स्पेस होता है और सीएसवी फाइल में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है और कॉमा से सेपरेट होते हुए सीएसवी फाइल आती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो सीएसवी टीएसवी से रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपका 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।